आज का टॉपिक टौ हमारा लिपिड्स है लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आल्सो कंटेन द कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिपिड बेसिकली क्या है तो लिपिड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्वांटिटी भी मौजूद होती है लिपिड हमेशा वाटर इंसॉलिबल्स होते हैं इसमें फ़ैट एंड ऑयल शामिल हैं ऑयल्स uh, है, है जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं और फैट जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है ठीक है Uh, पानी में बिल्कुल भी हल नहीं होते हैं। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं वाटर हीटर्स होते हैं और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी हैं उनमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं लाइक अल्कोहल हो गया ईथर हो गया आ, बेंजीन हो गया इन सब के अंदर जो ये ईजीली जो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और लिपिड बेसिकली हाइट्रोजीनस कंपाउंड हैं मीन्स के ये आ, दो डिफरेंट कंपाउंड से मिल बनते हैं ये बेसिकली मिक्सचर होते हैं वन ऑफ दम इज़ कॉल्ड द ग्लिस एंड अदर इज कॉल्ड द फैटी एसिड ग्लिसरोज आ एल्कोहल फैटी एसिड इज आ ऑर्गेनिक एसिड उसे आप कार्बोक्सलिक एसिड्स भी कहते हैं इन दोनों के बीच में जो बाउंड है बोथ ऑफ दिस मे का रिएक्शन और जो बाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज तो पहले हम फैटी एसिड को डिस्कस करेंगे कि वट इज फैटी एसिड दे आर ऑर्गेनिक एसिड इन्हें आप कार्बोक्सलिक एसिड्स भी कहते हैं और जनरली जो है वो सी डबल ओ एच जो है वो कार्बोक्सलिक ग्रुप है और वे आर इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन बेसिकली ये अल्काइल होता है ये कार्बन नंबर्स को कहते हैं कार्बन वन हो टू हो थ्री हो फोर जितने भी कार्बन नंबर्स हैं वो इस जगह पर ऐड हो जाएंगे तो आर को अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं और ये हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन मेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन नंबर जो है वो फैटी एसिड में फोटीन से लेके ट्वेंटी टू तक वेरी करता है इसके अलावा जो फैटी एसिड्स हैं वो दो तरह के होते हैं एक को कहते हैं सैचुरेटेड और एक को कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बाउंड है सिंगल कोवलन बाउंड होते हैं देर इज नो डबल बाउंड नो ट्रिपल बाउंड ऐसे आ, जो फैटी एसिड्स हैं उनको आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं लाइक स्टेरिक एसिड जिसमें के सी uh, एटीन होता है सी एटीन का मतलब है एटीन कार्बन जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अनसैचुरेट फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो है वो सिंगल कोवलन के साथ डबल और ट्रिपल कोवलन बॉन्ड भी मौजूद होते हैं अगर तो उनके अंदर आ, एक डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उन्हें आप मोनो अनसैचुरेटिड कहते हैं और अगर उनमें मल्टीपल जो है वो डबल बॉन्ड हो तो उन्हें आप पोली अन कहते हैं और इनकी कॉमन एग्जाम्पल्स जो है वो ओलिक एसिड है जिसमें सी uh, एटीन है कार्बन जो है वो अठारह कार्बन होती हैं और उनमें एक सिंगल बाउंड मौजूद होता है बिटवीन द कार्बन नंबर नाइन एंड कार्बन नंबर टेन ठीक है इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बाउंड मौजूद होता है तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरिक एसिड तो आपने सबसे पहले एटीन uh, जो है वो कार्बन ड्रॉ करनी है और सबके साथ आपने हाइड्रोजन जो है वो ऐड करना है कार्बन की वैलेंसी हमेशा फोर होती है तो थ्री हाइड्रोजन ये और एक ये बाउंड कार्बन कार्बन का तो फोर वैलेंसी हर जगह आपने कंप्लीट करनी है और आखिर के साथ आपने कर्बॉक्सलिक ग्रुप लगाना है सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच का मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बाउंड ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल के साथ सिंगल कोवलन बाउंड है दिस ग्रुप इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ़ द स्टेरिक एसिड विच इज़ दी एटीन और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है और इस डायग्राम में एक और एसिड है जिसे आप आ, लिनोलिक एसिड कहते हैं इसमें दो जो है वो डबल बाउंड मौजूद होते हैं और इसमें आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे काबन नंबर पहले आप इसके ड्रॉ करेंगी तो इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवन और एट जो काबन है उनके बीच में एक डबल बाउंड है नाइन और टेन और अलेवन के बीच में एक डबल बाउंड है ठीक है ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो दिस इज अगेन आ एटीन कार्बन कंपाउंड विद टू डबल बाउंड तो आप इसे नंबरिंग कर लें ईजिली अपने याद करने के लिए और द फर्स्ट कार्बन के साथ आपने कारबॉक्सिक ग्रुप जो है वो अटैच करना कार्बॉक्सिक ग्रुप की भी आपने काउंट कर लेनी है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओलिकसिड तो ऑलिक एसिड में वन डबल बाउंड है जैसे मैंने बताया था कार्बन नंबर

Uh, जहाँ वो डबल बॉन्ड मौजूद है या थ्रू आउट सिंगल बॉन्ड मौजूद है अगर तो वो अन है हैं मीन्स के उनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा लो होगा मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में होंगे और अगर उनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं जैसे कि ऑलिक एसिड जो है ऑलिव ऑयल में मौजूद होता है और ये अन फैटी एसिड है एंड रूम टेम्परेचर और ऑलवेज लिक्विड होता है जितना डबल बॉन्ड किसी भी फैटी एसिड में मौजूद होते हैं उतना ही वो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे और सैचुरेटेड की जैसे स्टेरिक एसिड एंड पामिटिक एसिड ये सब के सब जो है वो सैचुरेटेड सैचूरेटेड रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं एंड अगेन अदर कैरेक्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स दैट के फैटी एसिड्स जो हैं ये स्टेट चेन्ज होती हैं सीधी सीधी कार्बन कार्बन की चेन होती हैं और इनमें कार्बोक्सिल ग्रुप एक मौजूद होता है और इन प्लांट्स के अंदर जो फैटी एसिड हैं वो ब्रांच होते हैं एनिमल्स में वो स्टेट चेंज होती हैं प्लांट्स में फैटी एसिड वो रिंगिंग फॉर्म में भी होते हैं वो रिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं वो रिंग बनाते हैं जैसे कैलोमॉर्गिया एसिड है कैलोमॉर्गिक एसिड है दिस एसिड इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी तो ये लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है आ, इसके अलावा अगर जो कार्बन की जो चेन है कार्बन की तो तादाद है अगर फैटी एसिड के अंदर कार्बन की जो चेन की तादाद है उसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर शॉर्ट हो मतलब कम हो तो वो पानी में सॉलिबिलिटी के उसके चांसेस ज़्यादा था वो ज़्यादा सॉलीबल होता है और जितनी लॉन्गर कार्बन चेन होती है उतना वो वाटर इनसॉलिबल है तो इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो पानी के अंदर डिपेंड करती है उनकी चेन की लेंथ पर इसके अलावा ये इनकी जो सॉलिबिलिटी है ऑर्गेनिक सॉलवेंट के अंदर और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करता है अलोंग विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ कार्बन जितने ज़्यादा कार्बन नंबर इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ही इनका जो वो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर देगा फॉर एग्ज़ाम्पल पाल्मेटिक एसिड में कार्बन की जो तादाद है वो सिक्सटीन है सिक्सटीन कार्बन आइटम इसमें मौजूद है ये मोर सॉलीबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एज कम्पेयर टू ब्यूटारिक एसिड विच इज़ द सी फोर जिसमें चार कार्बन होते हैं तो जितने कम कार्बन की तादाद होगी उतना ही वो ज़्यादा जो है वो सॉलीबल होते हैं और जितने ज़्यादा तादाद होगी कार्बन के उतने वो उनकी सॉलीबलिटी जो है वो उतनी उनकी जो है वो ज़्यादा होती है अगर कार्बन नंबर ज़्यादा है तो सॉलीबल ज़्यादा होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नंबर कम है तो वो कम सॉलीबल होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है जैसे पानीटिक एसिड में कार्बन सिक्सटी है उसका मेल्टिंग पॉइंट सेवनटी सेल्सियस है जबकि के ब्यूटारिक एसिड का माइनस एट सेल्सियस है बहुत ही कम है लो टेम्परेचर है तो ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू के आ, जो लिपर्ड्स दे आर बेसिकली अप ऑफ टू थिंग्स वन इज कॉल्ड फैटी एसिड एंड अदर इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। तो ग्लिस्टरोल क्या है कि ये पोलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल है थ्री कार्बन कंपाउंड है नॉन टॉक्सिक है स्वीट टेस्ट में होता है इसके अलावा विस्कस फ्लूड है दैट हैज अ केमिकल फार्मूला सी थ्री एच एट ओ थ्री तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिस्टरोल क्या पहले तीन कार्बन ड्रॉ करें एक लाइन में देन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन आपने हर स्टेप वाटर क्रिएट करना और यहाँ पर एक एच और यहाँ पे एच ताकि वैलेंसी कंप्लीट हो जाए दिस इज द फार्मूला ऑफ द ग्लिस्टरोल ग्लिसो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ आल्सो यूज़ इन द फूड इंडस्ट्री एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ होता है ये चीज़ों को फ्रीज होने से बचाता है इसके अलावा ग्लिसरॉल uh, जो है वो uh, ये स्मूथनेस uh, uh, ये टूथपेस्ट वगैरह और डिफरेंट तरह स्किन के स्किन केयर प्रोडक्ट्स में शेविंग क्रीम्स में डिफरेंट सोप्स में इन सब में यूज होता है स्पेशली जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं ऐसी चीज़ें जो स्किन सॉफ्टनर्स के तौर पर यूज होती हैं लुब्रिकेशन में फार्मास्यूटिकल कंपनी में डिफरेंट uh, मेडिकेशंस में ये यूज़ होता है और स्पेशली जो है वो ऐसी क्रीम्स में इस्तेमाल किया जाता है जो कि ड्राई से बचाया जाए ठीक है इसके अलावा ये एक्सप्लोसिव uh, मटीरियल में भी यूज़ होता है ग्लिसरॉल अलॉन्ग विद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका मिक्सचर बना के इसको यूज़ uh, किया जाता है डायनामाइट्स वगैरह में और uh, यहाँ पे एंटी फ्रेजिंग भी बताया गया है कि ये आ, जो पोलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होती हैं वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स हैं जिसमें ग्लिस्ट्रोल भी हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है और जो चीज़ें हैं वो सुपर कूल cool हो जाती हैं और उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनती फूड इंडस्ट्री में ये आ, भी यूज़ होता है एज ए स्वीटनर के तौर पर डिफरेंट ड्रिंक्स में और इम्पॉर्टेंट जो है वो मॉइस्टरिंग एजेंट है जितनी भी बेकिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर जो मॉइस्चर क्रिएट करना वो इसकी वजह से होता है Uh, इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है शुगर की क्रिस्टलाइजेशन तो शुगर क्रिस्टल्स में ना कन्वर्ट हो तो ये डिफरेंट इसके जो है वो इम्पोर्टेंट एवरीडे साइंस में जो एवरीडे लाइफ में इस ग्लिस्ट्रोल की इम्पोर्टेंस है नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड्स तो व्हाट इज़ ट्राइग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड्स ऐसे लिपिड्स कम्पाउंड लिपिड्स का बेसिक यूनिट है ट्राइग्लिसराइड्स बिकॉज लिपिड्स भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह पॉलीमेरिक कंपाउंड है जिसमें एक बेसिक यूनिट है जो कि बार बार रिपीट होता है तो उसमें जो बेसिक यूनिट है वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड थ्री मालिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स तो फैटी एसिड्स के तीन मालिक्यूल और ग्लिसरॉल का वन मालिक्यूल और इस बाउंड जो है वो हमेशा बनता है एक ग्लिसरॉल uh, और फैटी एसिड के बीच में लाइक दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लिसरोल विद थ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप एंड दिस वन इज़ द वन फैटी एसिड सेकेंड एंड द थर्ड ठीक है आर वन आर टू और आर थ्री से देखा गया है कि ये कार्बन नंबर यहाँ पे वेरी करते हैं तो uh, वो अकॉर्डिंग टू उसके स्ट्रक्चर के होगा तो जो uh, ये देखें कि हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ द फैटी एसिड एंड दिस हाइड्रोजन ऑफ द ग्लिस्टरोल ये दोनों मिलकर वाटर मालिक्यूल रिमूव करते हैं और अल्टीमेटली है वो दिस बाउंड इस पॉम जिसमें के सी ओ सी कार्बन दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन होते, है। तो होते हैं दिस बाउंड इज कॉल्ड द ईस्टर लिंकेज तो थ्री ईस्टर लिंकेज क्रिएट होते हैं वन टू थ्री इसीलिए ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स फॉस्ोलिपर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज के ये सेल सेलम्प्रेन का बेसिक uh, कंपोनेंट है सेल सेलम्प्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं और फॉस्फोलिपिड्स है वो फॉस्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं और केमिकली तौर पर इनमें भी ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ साथ इनमें फॉस्फोरिक एसिड भी मौजूद होता है आ, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल और थ्री फैटी एसिड से इसमें एक ग्लिसरॉल और टू फैटी एसिड के साथ वन फॉस्फोरिक एसिड का मालिक्यूल भी होता है तो इस तरह जहाँ वो इनको कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स तो दे कंटेन द फॉस्फेड और फॉस्फोरिक समटाइम दे कैन देव द नाइट्रोजन बेस तो नाइट्रोजन बेसिस में इसमें कॉलिन है एथनल अमीन है सीरिन है डिफरेंट तरह so, के नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो इसमें एड होती हैं तो दिस वन इज द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉसफोलिपिड एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये सेल मेमब्रेन का स्ट्रक्चर है इसमें कि ये जो फॉस्फोलिपड्स uh, हैं ये हेड और टेल किसी शक्ल इख्तियार करते हैं इसका जो हेड होता है आ, उसमें हमेशा फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होगा और जो इसका टेल एरिया है इसमें लॉन्ग कार्बन चेन होती हैं और ये टेल इसकी हाइड्रोफोबिक होती है मीन वाटर को हेट करती हैं वाटर इंसॉलिबल होती हैं और जो इनका हेड है वो वाटर लविंग होता उसमें। है उसमें फॉस्फोरिक एसिड पे आइन्स होते हैं इस वजह से तो ये जो है वो लिपिड की फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर होती है बाय मतलब टू लेयर्स होती हैं एक ही ऊपर लेयर है एक के नीचे लहर है जिसमें के जो टेल्स हैं इनकी एक दूसरे की तरफ होती हैं और इनके जो हेड हैं वो आ, आउटर साइड पर हैं एक जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ होता है दूसरा सेल की आउटसाइड बाहर की इन्वायरमेंट की तरफ होता है या एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान के जो इंटरसाइलर स्पेस है जो दो सालों के बीच में जो स्पेस है उस तरफ होता है नेक्स्ट है दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दे आर नेचुरली अकिंग अकिंग जो है वो लिपिड सॉलीबल मालिक्यूज तो ये लिपिड में सॉलीबल मालिक्यूल होते हैं औरगेनिक इन नेचर है ये भी और इनमें फोर कार्बन के रिंग होते हैं जिसमें से कि थ्री रिंग्स जो हैं वो सिक्स कॉर्नर होते हैं मीन्स हेक्जागोनल होते हैं मीन्स सिक्स कॉर्नर और एक रिंग है uh, जो है वो इसमें जो है वो पेंटागोनल होता है मीन्स फाइव कॉर्नर होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन स्टीरॉइड्स के अंदर सेवनटीन होते हैं इन इन फोर रिंग्स के अंदर कॉमन एग्जांपल इसमें कोलेस्ट्रॉल है जो कि सलमैन ब्रेन के ओरिजिडिटी और हार्डनेस क्रिएट करती है इसके अलावा सेक्स हार्मोन है जिसमें में फीमेल में प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजिन फी टेस्टोस्टर uh, जो वो मेल में प्रोजेस्ट्रॉन और इसके अलावा और बहुत सारे हार्मोन हैं जो कि जिन खासतौर पे वो फीमेल सेक्स हार्मोन है तो जितने भी सेक्स हार्मोन है वो स्टरॉयडल हैं इसके अलावा कार्डिक पॉइजनस हैं स्टरॉयडल और बहुत सारे स्टिडल हारमोनस हैं जो हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती हैं इन सब की बेस हमेशा कोलेस्ट्रॉल होती है तो आज की हमारी डिस्कशन जब लिपिड्स पर थी कि लिपिड्स क्या हैं इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं तो आपने ये सारा जो है वो डिटेल अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है